अरे तू तो हट जा। मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों ने 25 फीट गहरे ट्यूबवेल के गड्ढे में गिरे एक सांड को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार आवारा सांड एक आम के बाग में बने ट्यूबवेल के 25 फुट गए गड्ढे में गिर गया था। सांड के लगातार चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसका रेस्क्यू शुरू किया। दरअसल घटना चरथावल थाना क्षेत्र के बीरालसी गांव की है। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर हाइड्रो मशीन की मदद से सांड को बाहर निकाला। सांड के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बार तो इस आवारा सांड को हाइड्रो के द्वारा ऊपर तक ले आए थे, लेकिन फिर अचानक से यह दोबारा इस गड्ढे में जा गिरा था। बहरहाल घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद इस सांड को रेस्क्यू सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तू तो हट जा। मेरा नाम अंकित कुमार। क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि एक सांड था और ट्वेल का जो गड्ढा हुए उसमें गिर गया। 20-25 फुट वो गहरा था। उसके बाद वो गांव ग्रामीण सारे इकट्ठे हुए और वो निकला छोड़ दिया। पुलिस भी प्रशासन भी हमारे साथ था। इस बारे में जहां अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय वीरालसी चौकी से मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि वीरालसी में एक आम का बाग है। इसमें एक कुआं है तकरीबन 20 से 25 फीट गहरा। उसमें एक सांड गिर गया था। वन विभाग वालों को इसकी सूचना दी गई थी, वो तो आई नहीं। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने एक हाइड्रा मशीन मंगा कर रेस्क्यू कर सकुशल रूप से सांड को कुएं से बाहर निकाला। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह नाम। कहाँ पे तैनात है और कहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ बिरालसी चौकी पे तैनात हूँ मैं। और यहाँ बिरालसी में एक बाग है, इसमें कुआं था करीबन 20-25 फीट गहरा और इसमें एक सांड गिर गया था शाम के टाइम पर। तो सूचना मिली हमें और विभाग वालों को भी सूचना मिली। वो विभाग वाले तो आए नहीं, लेकिन हम लोग ने जो है हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी आए, तो उन्होंने सब गांव के लोग इकट्ठे कर करा कर और एक हाइड्रा मंगाया और उसमें से सबके सहयोग से निकाल दिया। मुक्त हो गया बाहर। अब स्वस्थ है जो? हाँ स्वस्थ। सांड को कुएं से निकालने के लिए ग्रामीणों और पुलिस बल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कुएं की गहराई अधिक और चौड़ाई कम होने के कारण सांड को रस्सी से बांधने में काफी मुश्किलें हुई। इस कारण से सांड को निकालने में घंटों लग गए, लेकिन लोगों की समझदारी और मेहनत से आखिरकार सांड गहरे कुएं से बाहर निकाल लिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।